रैना अच्छे परिवार की लड़की है। शादी से पहले मायके में उसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। घर वाले उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करते। बेटी के सुखी जीवन की चाह रखने वाले माता पिता ने दहेज देकर सरकारी नौकरी करने वाले लड़के से शादी करवाई। शादी के बाद रैना अपने ससुराल मुंबई आ गई। रैना के ससुराल में लगभग सभी नौकरी करने वाले लोग हैं और वह हाउस वाइफ है। उसकी ससुराल में काम वाली रखने का चलन नहीं है, घर के सभी काम बहू ही करेगी। रैना को अब समझ आ गया था कि उसके ससुराल के लोग पुराने ख्यालों वाले हैं। रोज़ सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे तक वह काम में ही लगी रहती, लेकिन किसी को उसकी वैल्यू नहीं है। ससुराल के लोग महिला और पुरुष में भेदभाव करते हैं। उनकी नज़रों में हाउसवाइफ मतलब कुछ भी नहीं है। कई बार वे लोग रैना को टोकते हैं कि घर में काम ही क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे का ही तो है। घर की बहू टीवी नहीं देख सकती, उसका टीवी के रिमोट पर भी हक नहीं। कुल मिलाकर उस घर की महिलाओं की आज़ादी घर के पुरुषों पर निर्भर है। रैना के घर की महिलाएं सिर्फ साड़ी और सूट ही पहन सकती हैं, जबकि रैना के ससुराल वाले काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं। ऐसे ही एक दिन रैना ने अपने पति जय से घड़ी लेने की बात कही। उस वक्त तो बात को टालने के लिए जय ने कह दिया कि हाँ देखेंगे, लेकिन जब भी रैना घड़ी की याद दिलाती तो वह कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता। एक दिन रैना ने वजह पूछी कि एक घड़ी ही तो है, इसे खरीदने में इतना आनाकानी क्यों। इस पर जय ने कहा कि वह ऑफिस तो जाती नहीं है तो घड़ी पहनकर क्या करेगी। घर में रहने वाली महिलाओं को घड़ी नहीं पहनना चाहिए, घड़ी वो महिला पहनती है जो बाहर काम करने जाती है। तुम हाउसवाइफ हो, घड़ी पहनकर क्या करोगी, टाइम देखकर सब्जी काटोगी क्या। इतना सुनने के बाद रैना ने दोबारा घड़ी के लिए पति को नहीं बोला, क्योंकि अब वह खुद अपने लिए घड़ी खरीदेगी, फिर जवाब देगी कि हाउसवाइफ क्या होती है। क्या आपको जय जैसे लोगों की सोच पर तरस और गुस्सा नहीं आता है? कमेंट कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलिए। धन्यवाद।